नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, श्रावण मास की शिवरात्रि की आपको बहुत शुभकामना। भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखें, ऐसा हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे असाध्य रोगों को भगवान शिव दूर कर सकते हैं, कैसे उन रोगों की शांति हो सकती है, श्रावण मास की शिवरात्रि पर किया गया व्रत विधान कैसे आपको लाभान्वित करेगा, कैसे आपके मन चाहे वरदान को एक छोटे से उपाय से आपको दिला देगा। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास, और यदि आपके पारिवारिक कलह कलेश बहुत बढ़ गए हैं तो किचन की एक छोटी सी सामग्री उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। यह मंत्र 108 बार आज जाप करने से आपका साहस बढ़ता है और कुंडली का मांगलिक दोष भी हर तरीके से दूर होता है। तो इस मंत्र को जब आपको आवश्यकता हो तो आप जाप जरूर करें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 26 जुलाई 2022, दिन मंगलवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र होगा आर्द्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे, राहु काल जिससे सभी लोग डरते हैं, दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य यह समय होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप आरंभ ना करें वरना आपके कार्य में दिक्कत परेशानी जरूर आएगी। दिशाशूल होगा उत्तर दिशा, आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ जाने की भी आपको मनाही। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं श्रावण शिवरात्रि की महिमा और उसका महत्व क्या है। देखिए, श्रावण मास में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के रूप में मनाकर भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भाई, इस दिन कांवड़िए जो होते हैं भगवान शिव को हरिद्वार से या किसी पवित्र नदी से जल लाकर अर्पित करते हैं और अपने मन की इच्छा को बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। यह श्रावण शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी, यानी आज ही के दिन है श्रावण शिवरात्रि। श्रावण की शिवरात्रि का व्रत और इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से भक्त को मन की शांति मिलती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है और तमाम तरीके के जो शारीरिक रोग हैं उनमें शांति होती है, वो हर तरीके से कम होना आरंभ हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर आपको बताऊं भगवान शिव का महा आशीर्वाद आप पर बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे में श्रावण की शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है क्योंकि इस व्रत को रखने से पाप भी हर तरीके से कम होने लगते हैं। कुवारे लोगों को, जो अनमैरिड लोग हैं, उन्हें मनचाहा वर या वधु का वरदान भी बहुत आसानी से भगवान भोलेनाथ दे देते हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की जो है मजबूती इसी उपाय से बढ़ सकती है। तो भगवान शिव की शिवरात्रि की पूजा अर्चना आप जरूर करें। इस दिन भगवान शिव को सिर्फ जलधारा से प्रसन्न किया जा सकता है। आप एक लोटा जल लें, उसे पानी से भरें, 2 बूंद उसमें गंगा जल डालें और एक साबुत बेलपत्र उस लोटे में डालकर एक ही जलधारा के साथ शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा करने से और सिर्फ जलधारा अर्पित करने से भगवान शिव की महाकृपा आप पर जरूर होती है। तो सफलता का अचूक महा उपाय है हमारे पास और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके पारिवारिक कलह कलेश को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। कौन सी वो सामग्री है आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने पिता का सम्मान करें, व्यापार में आ रही बाधा दूर होगी, सुबह के समय जल्दी उठें, शुभ रंग होगा गुलाबी। बात करते हैं वृषभ राशि की, उत्तम संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, अपने कार्य को समय पर करें, आज मित्र से मुलाकात होगी, शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। अगली राशि होती है मिथुन राशि, उस पर भी चर्चा करते हैं। अचानक आज उपहार मिलने का योग दिख रहा है, धन का लेन देन बहुत सोच समझ के करिएगा, शाम तक समय आपके अनुकूल है, शुभ रंग होगा आज केसरिया।
अब आपको बताते हैं कि श्रावण शिवरात्रि में भद्रा लगने के पश्चात कैसे करनी है पूजा अर्चना। देखिए, वैसे तो भगवान शिव सभी चीजों से परे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य का वरदान बहुत आसानी से मिल सकता है, लेकिन सावन की शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए तो उनका आशीर्वाद और हर तरीके से उनके द्वारा मिला हुआ वरदान जिंदगी भर जीवन में आपको हर तरीके से लाभान्वित करता रहता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो चतुर्दशी तिथि में मनाई जाती है। यह चतुर्दशी तिथि 26 जुलाई 2022 को यानी आज ही के दिन शाम 6:48 पर शुरू होगी, तो शिवरात्रि का हो जाएगा प्रारंभ। इस समय भद्रा भी होगी तो कैसे करें पूजा अर्चना? भाई, इस समय भद्रा होने के कारण जलाभिषेक का जो समय रहेगा शाम 7:25 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। और आपको बता दूं कि यह जो समय है वो हर तरीके से आपको लाभान्वित करेगा। इसके अलावा 26 तारीख को शाम को जो हमने समय बताया वो, और उसके अलावा 27 जुलाई 2022 को भी आप सूर्योदय से लेकर 2 घंटे के दौरान बहुत आसानी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ये सर्वोत्तम समय है, तो आपको भद्रा से बिल्कुल नहीं घबराना। भगवान शिव के जो है मंत्र नमः शिवाय मंत्र का भी आपको मन ही मन जाप जरूर करना। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी व्यापार की दिक्कत खत्म होगी। किसी से भी किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद ना करें, किसी वाद विवाद में ना पड़िएगा। घर में मांगलिक उत्सव होगा, शुभ रंग है कत्थई। बात करते हैं सिंह राशि की। गुस्से के कारण आज नुकसान हो सकता है। अपना वाहन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। रात को देर तक ना जागें। शुभ रंग होगा आज के लिए पीला। कन्या राशि की चर्चा करते हैं। आज अपना भेद किसी को ना बताएं। बहन की तरफ से आज आपको उपहार मिलेगा। रिश्तों का सम्मान करें, शुभ रंग होगा जब। देखिए, श्रावण की शिवरात्रि पर कैसे मिलेगा आपको सुखी दाम्पत्य जीवन का महावरदान, यह भी समझ लेते हैं। यदि जीवन में आपकी परेशानी बढ़ गई है, भगवान शिव की पूजा अर्चना आपके लिए अमृतमयी साबित होगी। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, क्यों ये मुश्किलें आ जाती हैं इसमें? भाई, जन्म कुंडली में 7वें भाव में यदि पापी ग्रह जैसे शनि, मंगल, सूर्य या राहु केतु हो तो दाम्पत्य जीवन में खटास आना स्वाभाविक है, क्योंकि पापी ग्रह आपकी कुंडली के 7वें भाव को हर तरीके से कर देंगे दूषित, और हो जाएगा आपका अपनी पत्नी पत्नी से या पति पत्नी से आपसी वाद विवाद। कैसे खत्म होगा ये भी समझाऊंगा, लेकिन 7वें भाव पर अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि हो, 7वें भाव का स्वामी अस्त हो तो दाम्पत्य जीवन की खटास तलाक की ओर भी जा सकती है, यानी आपका डिवोर्स भी हो सकता है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, श्रावण की शिवरात्रि का एक पर्व जो हर साल में एक ही दिन आता है, आज आप उस महा उपाय को करिएगा जिससे आप हर तरीके से प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ कर पाए, मधुर कर पाए। क्या करें पति पत्नी मिलकर? पति पत्नी मिलकर दोनों श्रावण मास दूध दही घी शहद और शक्कर अर्थात पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे शिवलिंग को, और वही जल लेकर दोनों अपने माथे पर कम से कम 3-3 बार छींटा जरूर दें। एक रुद्राक्ष की माला लें और एक मंत्र का जाप करें, ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय शुद्ध घी का एक संयुक्त रूप से यानी पति पत्नी दोनों ही मिलकर एक दिया प्रज्वलित करें, तो ये छोटा सा उपाय आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता भर देगा और काट देगा आपके तलाक के योग को। क्योंकि भगवान शिव का जब आशीर्वाद होता है तो तमाम नकारात्मकताएं, तमाम नेगेटिविटी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दिन दौड़ भाग वाला रहेगा। व्यापार में लाभ अवश्य होगा, अपनों का साथ मिलेगा, शुभ रंग है आज के लिए नारंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल नाराज ना करें, छोटी यात्रा आज करनी पड़ सकती है, अपने क्रोध पर काबू रखें, शुभ रंग होगा आज के लिए सुनहरी। बात करते हैं धनु राशि की। किसी से अकारण उलझिएगा नहीं, स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी, आर्थिक चिंता भी दूर होगी, शुभ रंग है पीला।
अब आपको बताते हैं कि श्रावण मास की शिवरात्रि पर बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज सफलता का अचूक महा उपाय है हमारे पास, उसको लिए बिना आप कहीं ना जाएं, ज्योतिष गुरु कुछ ही समय में आपके साथ वो साझा करेंगे। लेकिन रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके पारिवारिक कलह कलेश को कैसे खत्म करेगी वो भी समझाएंगे। देखिए, श्रावण की शिवरात्रि पर कैसे खत्म करें अपनी बीमारियों को। शिवरात्रि के दिन सुबह के समय जल्दी उठें, अपने स्नान के पानी में एक चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करें। एक पूजा की थाली आपको तैयार करनी है, उस पूजा की थाली को स्वच्छ करके सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उसमें एक पंचमुखी रुद्राक्ष को रख लेंगे। रोली मोली चावल धूप दीप सफेद चंदन पीला चंदन सफेद जनेऊ एक कलावा और पीले और सफेद फल, थोड़ा सा मिष्ठान और गंगा जल और पंचामृत बनाकर आप उस थाली में रख लीजिए। यदि संभव हो तो अपने घर से नंगे पैर निकल जाएं, बहुत अच्छा होगा। भगवान शिव के मंदिर जाएं और विधि विधान से शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी है और उन्हें यह रुद्राक्ष, जो पंचमुखी रुद्राक्ष आपने थाली में रखा था, उन्हें अर्पित कर दीजिए। अब गाय के घी का आपको एक चौमुखा दिया जलाना है, ज्योत प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप जलाने के बाद वहीं आसन पर बैठकर आपको शिवाष्टक का 3 बार पाठ करना है। शिवाष्टक का पाठ करिएगा, घर वापस आते समय भगवान शिव से प्रार्थना करें और वही रुद्राक्ष भगवान शिव की आज्ञा लेकर अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से बड़ी बीमारियां शांत हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और असाध्य रोग आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि कैसे असाध्य रोगों को, जो आपको हर तरीके से परेशान कर रहे थे, काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मिनी राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उधार दिया हुआ धन मिलेगा, शुभ रंग है जामुनी। बात करते हैं कुंभ राशि की, अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, किसी निर्धन व्यक्ति की मदद जरूर करिएगा, अपने कार्यों को समय पर कर लें तो बेहतर होगा, शुभ रंग है आज काला। मीन राशि, नए काम की योजना सफल रहेगी, अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, अपनी जिद किसी से ना मनवाएं, अड़िग मत रहिएगा, मान जाइएगा, ठीक है, शुभ रंग है आपके लिए आज नारंगी। अब समय हो चला है सफलता का अचूक महा उपाय आपके साथ साझा करने का। तो भाई, आप चाहते हैं कि आपका एक विशेष कार्य जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे वो सफल नहीं हो पा रहा, तो आज होगा वो सफल। पंचमेवा लीजिए, उसे पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाइए और पीपल के नीचे चींटियों को डालना आरंभ कर दीजिए। आज ही के दिन से आरंभ करिएगा, आपको पहले दिन से ही फायदा होगा, आपका कार्य सफल हो जाएगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं, चेहरे की जो आभा जो है कम हो गई है, चमक कम हो गई है, तो कैसे ये जो है आपका कार्य सिद्ध होगा। देखिए, शुद्ध शहद में थोड़ी सी दही और उबला हुआ आलू मिलाकर एक लेप तैयार करें और अपने चेहरे पर लगाएं, कुछ देर इसके सूखने के बाद साफ पानी से आप इसे धो दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके चेहरे की रंगत भी आ गई है और दाग धब्बे कम होना शुरू हो गए हैं। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार है। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, यह होती है आग्नेय कोण की दिशा, जो शुक्र की दिशा होती है। आप यहां पर दीपक प्रज्वलित करें, हर तरीके से आप सम्मानित बनी रहेंगे। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपके पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए क्लोव्स यानी कि लौंग। 2 लौंग हनुमान जी के सामने देसी कपूर में रखकर आप उसे जलाइए और आरती करिए। ऐसा करने से पारिवारिक कलह कलेश और परेशानियां भगवान राम जी और हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल खत्म। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया किस तरीके से भगवान शिव की कृपा आप पर आपके परिवार पर हो सकती है और छोटा सा उपाय कैसे आपकी बीमारियों को खत्म कर सकता है। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।